परेशान हुई नेटफ्लिक्स से बाहुबली की कास्ट। क्या तैयारी कर रही है वामिका गब्बी बाहुबली 3 के लिए? किस बुक पे बेस्ड है बाहुबली 3? स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म बाहुबली 3 की मेरे यानी श्रुति के साथ। ऑल टाइम फेवरेट फिल्म बाहुबली 2 को रिलीज हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। आज भी लोगों में ये फिल्म पसंद की जाती है। इस फिल्म के हिट होने के बाद लोगों की मांग थी कि इसका अगला भाग बनाया जाए। लोगों में ऐसे उत्साह को देखते हुए मेकर्स ने एक और प्रोजेक्ट बाहुबली बिफोर द बिगनिंग प्लान किया था। इसमें बाहुबली द बिगनिंग से भी पहले की कहानी दिखाई जाएगी। बॉलीवुड लाइफ में छपी खबर के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने 100 करोड़ की लागत से बनी फिल्म बाहुबली के अगले भाग बाहुबली बिफोर द बिगनिंग को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ 200 करोड़ के बजट में बनने वाली इस फिल्म को नए सिरे से लाने की प्लानिंग की गई है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने कहा है कि बाहुबली भारत की सबसे प्रिय कहानियों में से एक है। इस ब्राह्मण को उस पैमाने और तरीके से जीवंत करने के लिए जिसका वो हकदार है, हम अपने अद्भुत भागीदारों के साथ कहानी को फिर से कल्पना कर रहे हैं। हम साथ में ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम कहानी कहने की गहराई और उसके किरदारों के साथ न्याय करें। अगर अफवाहों पर विश्वास किया जाए तो वामिका गब्बी को नीडर रानी शिवगामी के किरदार में देखा जा सकता है, जो कि फिल्म निर्माता एस एस राजामौली की बाहुबली श्रृंखला की प्रीक्वल में देखी जाएंगी। माना जाता है कि ओटीटी श्रृंखला में वामिका युवा शिवगामी की भूमिका निभा रही। दक्षिण की स्टार नयनतारा भी पीरियड ड्रामा में एक प्रमुख भूमिका निभाती नजर आएंगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हाल ही में सीरीज ग्रहण में अपने आकर्षण और प्रदर्शन से दर्शकों और क्रिटिक्स से मंत्रमुग्ध करने वाली वामिका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो एक वॉरियर की तरह तलवारबाजी प्रैक्टिस करती नजर आई। उस वीडियो में वो अपनी कंपेटिटर पर घातक हमला करते और वीर योद्धा की तरह हमले से अपना बचाव करते देखी जा सकती है। नेटफ्लिक्स 100 करोड़ की लागत में बनी फिल्म बाहुबली के अगले भाग बाहुबली बिफोर द बिगनिंग से बिल्कुल खुश नहीं था, इसलिए उसने इस कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देने से साफ इनकार कर दिया। अब फिल्म के मेकर्स इस फिल्म की स्क्रिप्ट, स्टार कास्ट और तकनीकी टीम पर दोबारा काम कर रहे थे। साथ ही अब वो इस बार फिर से शूट करने की तैयारी में है, जिससे कास्ट परेशान हो चुकी है। बाहुबली का जिस तरह का अक्सर लोगों पर देखा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए नेटफ्लिक्स ने फैसला किया है कि अगला भाग और भी ज्यादा बढ़िया हो। बाहुबली का सीजन एक शुरुआत से पहले आनंद नीलकांतन की किताब द राइज ऑफ शिवगामी पर आधारित है। निर्माताओं के अनुसार प्रीक्वल सीरीज क्वीन शिवगामी की एक विद्रोही और प्रतिघोषी लड़की से एक बुद्धिमान और बेजोड़ रानी तक की यात्रा को दर्शाएगी। सत्ता, राजनीति और षड्यंत्र से भरी इस कहानी को देखने के लिए फैंस उत्साहित है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।